ठीक है ओके अभी हाल ही में मुनावर भाई जीते मुनावर को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा आई थिंक ही वाज डिजर्विंग बहुत अच्छा बहुत नाम कमाया उन्होंने तो थैंक यू हाँ ये बोलूंगा मैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुनावर जीता है लोक का बिकॉज आई एम सो हैप्पी अ कॉमेडियन समोन मेक्स गुड लाफ वो जीता है सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है खतरों में अगर जा रहे हो खतरों मनोहर नहीं भाई करण चलो मनोहर करने की बात करण गौर जी एक सवाल है अभी हाल ही में लॉकअप का फिनाले हुआ था मुनावर जीता था अरे मुनावर तो मेरा फेवरेट है बट वो शो में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स वर फैबुलस ऑल ऑफ देम रियली डिड अ ग्रेट जॉब सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मुनावर वन I think he totally deserved it. And a lot of people played really well. Down to earth. Payal played well, Anjali played well, Saisha, and aur kaun tha usme? Poonam. Poonam was very cute. Shivam. Shivam was the total entertainer. Bada maza aaya dekhe show. I think it was a great show. समिता मैं मुनावर के लिए क्या कुछ कहेंगे जो कि विनर है अभी लॉकअप के कंग्रेचुलेशन मैंने देखा नहीं है लॉकअप अनफॉर्चुनेटली बट कंग्रेचुलेशन कंगना जी के लिए बोल दो फिर उनकी होस्टिंग एनी शो ऑन एनी प्लेटफॉर्म कंगना जी के लिए क्या कुछ कहेंगे मैम कंगना रनौत आप लॉकअप फॉलो कर रहे थे अभी लॉकअप रियलिटी शो जो चल रहा था यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ मैं नहीं फॉलो कर रहा था आई एम सॉरी अबाउट इट पर पहला कुछ एपिसोड देखे थे मैंने तो बस उतना ही कुछ कर रहे थे उसके बारे में तो पता नहीं आई मीन आई हैव नॉट सीन इट बट कांग्रेचुलेशन टू द विनर फॉर श्योर मुनावर भाई जीते हैं यस आई नो मुनावर भाई अच्छा था आई मीन ऑब्वियसली आई थिंक रेटिंग्स बहुत अच्छी थी उसकी सो गुड फॉलो सेकंड सीजन में आप जाएंगे अगर ऑफर है नहीं भाई बिग बॉस से परे और सर अभी खतरों के खिलाड़ी भी आ रहा है तो उसमें आप देख नहीं अभी प्रोजेक्ट नहीं 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 शायद मे बी सम टाइम लेटर क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ कमिटमेंट है कंप्लीट थैंक यू सर हाँ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने पूरा शो फॉलो नहीं किया लेकिन मैं ऑफकोर्स छोटी छोटी क्लिप्स देखी है कुछ कुछ एक दो एपिसोड्स भी देखे हैं तो मुझे मुनावर की जर्नी बहुत अच्छी लगी एंड आई वाज श्योर कि वो ही जीतेंगे बिकॉज जिस तरह से उनकी जर्नी रही है जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी है जिस तरह से वो मास्टरमाइंड भी कहे गए शो के अंदर तो ऑब्वियसली वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है मुनावर एंड ऑल द बेस्ट टू हिम जी हाँ क्या आई एम सॉरी हाँ देखो सोचता तो सभी है एक्चुअली सोचता तो सभी है कि वही विनर है लेकिन जनता जो है वो विनर बनाती है शो के अंदर तो जो भी शो के अंदर जाता है किसी भी शो में जाता है वो सोचता है कि वो ही विनर बनेगा लेकिन जो दिल तक पहुंचता है वही शो का विनर होता है और मुनव्वर शो के विनर है जी लॉकअप में एक्चुअली मैंने अरे मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी होस्टिंग जिस तरह से मुझे पहले मैंने देखा था कि कंगना की और मुनावर की काफ़ी थोड़ी सी ट्विटर पे एक दूसरे से फाइट हो चुकी थी लेकिन मुझे लगा था कि कंगना शायद हो सकता है बायस होंगी लेकिन वो बहुत ही अच्छी होस्ट निकली एंड आई एम रियली इम्प्रेस विथ हर मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतनी अच्छी होस्टिंग करेंगी लेकिन शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं कभी उनके साथ कोई शो पर काम करूँ मैं राखी जी कल वो लॉकअप का फाइनल देखे मुनावर जीत गया हाँ कंग्रेचुलेशन लॉकअप बहुत अच्छा चला लोगों को बहुत पसंद आया एंड हाँ मुनावर जीत गया अच्छी बात सो कंग्रेचुलेशन बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा शो था लॉकअप लोगों को बहुत पसंद आया दूसरे सीजन में आप जाने वाले एकता जी के शो में लॉकअप में कंगना रनौत होस्ट एकता जी बुलाएगी तो डेफिनेटली व्हाई नॉट क्या कुछ देखने हम तो आर्टिस्ट है हम आर्टिस्ट हैं हमको जो भी चैनल जो भी रियलिटी शो जो भी लोग बुलाते हैं फिल्म ये वो तो हम जाते ही वी आर जस्ट आर्टिस्ट